गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा लेसन 9। आई होप कि पीडीएफ में आपने इसकी कविता पढ़ ली होगी। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज देखेंगे। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। तितली तितली, रंगोली रंगोली, नानी नानी, बसंत बसंत, श्याणी श्याणी, परी परी। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। पंब, खम्ब, खम्ब का क्या अर्थ है? पंख। रुत, ऋतु। सपना, स्वपन। वन सुवनी, रंग बिरंगी। हाथ, हाथ। सुनहरा, सोना, स्वर्ण। पढ़ो, समझो और लिखो। स प्लस व, सव। प प्लस न, पन, स्वपन। स प्लस व प्लस र प्लस न, स्वर्ण। शब्दार्थ, रंगोली। रंगोली का क्या अर्थ है? अलग अलग रंगों का मेल, त्यौहार आदि पर रंगीन बुरादे से फर्श पर की जाने वाली चित्र कारी। स्वपन, सपना। लुभाना, मोहित करना। रुत, ऋतु। स्वर्ण, सोना। नेक्स्ट है बच्चों, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। ये आपने अपने आप करनी है बच्चों। कविता लर्न भी करनी है और लर्न करने के साथ साथ लिखनी भी है। नेक्स्ट है, बताओ तितली के पंख कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। तितली किस ऋतु में दिखाई देती है? तितली बसंत ऋतु में दिखाई देती है। नानी किसकी कहानी सुनाया करती थी? नानी स्वर्ण परी की कहानी सुनाया करती थी। ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप करने हैं, आपने नोटबुक पे, फिर नोटबुक पे करने हैं सुंदर सुंदर लिखाई में। तुक मिलाओ, चोली रंगोली, इठलाती शर्माती, सजाती लुभाती, आती जाती। वाक्य बनाओ, वाक्य कैसे बनाओगे आप? रंग बिरंगी, तितली रंग बिरंगी होती है या तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं? बसंत, तितली बसंत ऋतु में आती है। कहानी, मैंने एक कहानी सुनी या मैंने एक कहानी लिखी। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। सयानी, मैं अब सयानी हो गई हूँ या राधा बहुत सयानी है। कुछ भी, एनीथिंग, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ये था बच्चों आज का हमारा चैप्टर 9, जो कि कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम 10th चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ।